नाइन्थ नेशनल पेंसिक स्लाट चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जीतने के बाद देवड़ा स्पोर्ट्स क्लास की दो फीमेल खिलाड़ी शुक्रवार रात इंदौर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर अभिभावकों और शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नाइन्थ नेशनल पेंसिक स्लाट चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीते दिनों आयोजित हुई, जहां इंदौर के देवड़ा स्पोर्ट्स क्लास की फीमेल खिलाड़ियों ने ब्रांज मेडल हासिल कर इंदौर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुक्रवार रात 9 बजे चैंपियनशिप से लौटे खिलाड़ियों का शहरवासियों और खिलाड़ियों ने अभिभावकों के साथ विमानतल पर भावभीनी स्वागत किया, जहां ब्रांज मेडल जीतने वाली पुरावांशी रहीक और हिमांशी जाट ने बताया कि श्रीनगर में हुई चैंपियनशिप में पूरे देश में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी पहुँचे थे, जहाँ हर फाइट रोचक और शानदार रही। जम्मू स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम में 8 दिवसीय आयोजन के दौरान इंदौर की ओर से उन्होंने यूपी और अन्य राज्यों को हरा कर ब्रांज मेडल जीता है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। टूर के बारे में बताइए, कैसा रहा और वहाँ पर किस तरह का अनुभव रहा आपका? हमारा टूर बहुत अच्छा था और हमें बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली थी। कौन से सर आपको ले गए थे, कहाँ से आप इसके शांति में गए थे? हमारे विक्रम सर हमें लेके गए थे और देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी से हमने वो करा था। कौन सा मेडल आपको लगा है? हमें ब्रॉन्ज मेडल लगा है। इसके साथ क्या आपकी फाइट ऑफर? कर्नाटक टीम से थी हमारी फाइट। आगे आप और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं इसको और आगे करना चाहती हूँ और ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पूर्वांशी वीरे है। आप मेडल जीत के आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा वहाँ का? दिल्ली कॉम्पिटिशन बहुत था वहाँ पर, बट फिर भी हमने बहुत मेहनत करके गए थे, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा ब्रॉन्ज मेडल लगा है। स्वच्छता में लगातार नंबर वन रहता है, पंच लगाने की तैयारी और कोरोना भी आड़े आ रहा है जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? इंदौर पंच लगाएगा इस बार भी और इंदौर के हर एक बच्चा, हर एक इंसान मेरे ख्याल से नंबर वन आने के लिए आ सकता है। किससे फाइट थी आपकी वहाँ पर, किसके साथ? मेरी फाइट पहले यूपी के साथ थी और सेकेंड मणिपुर के साथ थी। अब आगे आप और किस तरह से इसमें सुधार करेंगे? आगे आगे मैं और मेहनत करूंगी और ओलंपिक में जाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। विक्रम सर के लिए क्या कहेंगे? विक्रम सर बहुत ही अच्छे कोच है, वो बहुत ही अच्छी टीचिंग करते हैं और अभी तक आप कहाँ कहाँ होया है और कहाँ कहाँ खेल के आए हैं? ये मेरा फर्स्ट नेशनल था। कहाँ रहते हैं? मैं तेजाजी नगर। आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशी जाट है। सर आपके घर की बच्ची आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है जी, सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा ऊपर समझता हूँ सर, कि बहुत इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है और जो भी बच्चे हमारे वहाँ गए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास करके हमारे सर क्या नाम है विक्रम देवड़ा जी को बहुत बहुत बधाई हो। कि आज के समय में लड़कियों को लोग आगे बढ़ना बढ़ाना नहीं चाहते, कई जगह देखा जा रहा है जी सर, शिक्षा में बहुत कमी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप क्या देखते, कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ मेरी बच्ची को, अब आगे ईश्वर की मर्जी, बहुत बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक उसकी इच्छा है जहाँ तक ले जाऊँगा मैं। क्या नाम है आपका? नाथूराम जाट। क्या करते हैं आप? सर मैं MPB में सर्विस बिजली बोर्ड में। सर बताएं कहाँ से अभी जीत के आए, क्या खेल के आए? ये हम जम्मू कश्मीर था, इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था और ये नाइन्थ नेशनल चैम्पियनशिप थी जो पेंचिक स्लाइड चैम्पियनशिप है, जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम है, जिनमें से हमारे देवड़ा स्पोर्ट्स अकेडमी के और MP के अपना पूर्वांशी विरह और हिमांशी जाट को ब्रॉन्ज मेडल लगा है, दोनों को ब्रॉन्ज मेडल लगा है। ये एक इंदौर के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है कि इंदौर की लड़कियाँ आगे बढ़ रही है और आगे आके देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए मेडल लेके आ रही है। सर शहर से कौन सी क्लास से खेलने गई थी ये? ये देवड़ा स्पोर्ट्स अकेडमी हमारी तेजाजी नगर में, वहाँ से ये खेल के एक साल से लगातार हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, उस स्टेट से बहुत मुश्किल से सिलेक्शन हुआ था हमारा, उसके लिए बहुत मेहनत लगी थी और जब जाके नेशनल में सिलेक्शन हुआ था वो फिर नेशनल में हमारे ब्रॉन्ज मेडल लगे। सर किस तरह की फाइट वहाँ देखने को मिली, किस तरह की फाइट रही, कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पर आए थे? वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे वहाँ पे और हमारे बच्चों की जो थी ये कि यूपी वालों के साथ में फाइट हुई थी, फाइनल बाउट यूपी वालों के साथ में हुई थी। अब आप सर किस तरह से देखते हैं ब्रॉन्ज लगाए, आगे आप क्या कहेंगे और इनके आगे इनके भविष्य के लिए? बस मेरा यही है कि इनको इंडिया लेवल पर लेके जाए और इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन हो और ओलंपिक लेवल पर भी अपने देश का नाम रोशन हो। विक्रम देवड़ा, संस्थापक देवड़ा स्पोर्ट्स अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।